ओके, तो आज हमको एक्चुअली दो तीन क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। अगले टॉपिक पर जाने से पहले हमको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, लेकिन क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले हमको कल के लास्ट 10-15 मिनट में हमने जो देखा था वापस एक बार रिवाइज कर लेंगे। तो याद है हमको, कल हमने लास्ट में सबसे आखिरी में रिलेशन बिटवीन डिग्री एंड रेडियन देखा था। तो हमको पहले वो रिवाइज करना पड़ेगा, बिकॉज दैट इज इम्पोर्टेंट। तो पहले हम लोग रिवाइज कर लेंगे, व्हाट इज रिलेशन बिटवीन डिग्री एंड रेडियन। रिलेशन बिटवीन डिग्रीज एंड रेडियन, डिग्री एंड रेडियन, क्योंकि आज जो क्वेश्चन सॉल्व करने हैं ना, उसके लिए चाहिए हमको, वापस एक बार रिवाइज कर लेंगे। तो अगर आपको याद होगा, ऐसा यूनिट ऑफ एंगल मेजरमेंट होता है रेडियन। अब तक तुम मेजर कर रहे थे डिग्री में, लेकिन अब तुम मेजर करोगे रेडियन में। तो 180 डिग्री मतलब कितना रेडियन? पाई रेडियन। अगर आपको डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करना है, तो 180 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो 1 डिग्री इज पाई अपॉन 180 रेडियन। पाई की वैल्यू होती है 3.14। तो 3.14 अपॉन 180 जब सॉल्व करते हो तो क्या मिलता है, याद है? क्या है? हाँ, पाई नहीं तो मुझे 1.745 × 10⁻²⁺ रेडियन, जो 57.29 तुम बोल रहे हो ना, वो उल्टा है। वो 1 रेडियन मतलब कितना डिग्री? वापस मैं बता रहा हूँ, थोड़ा ध्यान दो। 180 डिग्री मतलब पाई रेडियन। तो आपको 1 डिग्री मतलब कितना रेडियन ये फाइंड करना पड़ेगा, या फिर 1 रेडियन मतलब कितना डिग्री ये फाइंड करना पड़ेगा। अगर 1 रेडियन फाइंड करना है, तो 180 को किससे डिवाइड करोगे, किससे करोगे? पाई से। पाई की वैल्यू कितनी है? 3.14। तो ये सॉल्व करने का आता है 57.29। मैं ये नहीं बोल रहा था, मैं बोल रहा था 1 डिग्री मतलब कितना रेडियन, क्योंकि जो क्वेश्चन सॉल्व करने हैं उसमें डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना पड़ेगा हमको। लेकिन पैरेलेक्स एंगल जो होता है वो 1 डिग्री से भी बहुत छोटा होता है। तो फिर हम लोग 1 डिग्री के 60 पार्ट्स करते हैं, और हर एक पार्ट को बोलते हैं आर्क मिनट, क्या बोलते हैं, और डिनोट करते हैं डैश से। तो 1 डिग्री इज 60 आर्क मिनट। तो 1 मिनट इज 1/60 ऑफ डिग्री। तो 1 मिनट इज 1 डिग्री, 1 डिग्री मतलब कितना? 1.745 × 10⁻²⁰ आ गया रेडियन में। तो 1 मिनट ये सॉल्व करने के बाद आएगा 2.91 × 10⁴ रेडियन। देन परमेच एंगल एक्चुअली 1 आर्क मिनट से भी बहुत छोटा होता है। तो हम लोग 1 आर्क मिनट के 60 पार्ट्स कर देते हैं। तो 1 आर्क मिनट इज 60 आर्क सेकेंड। तो 1 आर्क सेकेंड इज 1/60, 1 आर्क सेकेंड इज 1/60 आर्क मिनट। तो 1 आर्क सेकेंड इज 1/60। 1 मिनट मतलब कितना रेडियन? 2.91 × 10⁻²⁴/60। तो ये सॉल्व करने के बाद क्या वैल्यू मिलती है? 847 × 10⁻⁶ रेडियन, बराबर। तो इसके बाद हमने देखा था 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट मतलब क्या। तो हमने कल डिफाइन किया था एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। तो 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट इज द एवरेज डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ सन एंड सेंटर ऑफ अर्थ। और हमने देखा था 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट 1.10⁻¹⁰ मीटर। और एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट ये डिस्टेंस जो होता है, ये हम लोग सोलार सिस्टम में ही यूज करते हैं। मतलब एक प्लैनेट का डिस्टेंस, जैसे मार्स का डिस्टेंस, जुपिटर का डिस्टेंस, यूरेनस का डिस्टेंस मेजर करने के लिए। लेकिन अगर आपको डिस्टेंस टू स्टार फाइंड करना है, मैंने आपको एग्जाम्पल भी बताया था, इस बोर्ड पे 2 पॉइंट का डिस्टेंस अगर मेजर करना है तो सेंटीमीटर स्केल चलेगा। लेकिन इस क्लासरूम में 2 पॉइंट का डिस्टेंस मेजर करना है तो सेंटीमीटर स्केल नहीं चलेगा, क्या चलेगा? मीटर स्केल।
एक सिटी और दूसरी सिटी में डिस्टेंस मेजर करना है तो 1 किलोमीटर, तो थोड़ा सा सेम कॉन्सेप्ट तुम एस्ट्रोनॉमी में भी अप्लाई करोगे। जब हमको प्लैनेट्स का डिस्टेंस फाइंड करना होता है तो एस्ट्रोनॉमी का यूनिट चलता है, मतलब एस्ट्रोनॉमी का यूनिट छोटा यूनिट है, छोटा यूनिट है ये। कब छोटा है? जब हम लोग स्टार और प्लैनेट का डिस्टेंस फाइंड करते हैं उसके लिए छोटा है। तो जुपिटर का डिस्टेंस, मार्स का डिस्टेंस, यूरेनस का डिस्टेंस, वो आप एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट में कर सकते हो मेजर। लेकिन अगर हमको किसी और स्टार का डिस्टेंस मेजर करना है अर्थ से, तो हम यूज करते हैं लाइट ईयर। इसको हम बोलते हैं LY, लाइट ईयर। इट इज अ डिस्टेंस ट्रेवल बाय लाइट इन 1 ईयर। एक साल में लाइट जितना भी डिस्टेंस ट्रेवल करेगा उसको बोलोगे लाइट ईयर। तो मैंने कल बताया था स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। और लाइट का स्पीड आपको पता है कितना है? लाइट का स्पीड, लाइट का स्पीड कितना है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और एक साल में कितना टाइम होता है? 365 डेज। हर दिन में कितने आवर होते हैं? 24। हर आवर में कितने मिनट होते हैं? और हर मिनट में कितने सेकेंड्स? 60 सेकेंड्स। तो ये सब मल्टीप्लाई करने के बाद आपको मिलता है 9.46 × 10⁵ मीटर। तो 1 लाइट ईयर इज 9.46 × 10⁵ मीटर। तो एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट 10⁻¹ था और ये 10⁻¹५ है, तो ये और भी बड़ा यूनिट है। अब बात ऐसी है कि हमारा जो यूनिवर्स है ना, जिसमें हम लोग रहते हैं, यूनिवर्स वो बहुत बड़ा है, उसमें लाइट ईयर भी छोटा है। लाइट ईयर इज ऑल्सो वेरी स्मॉल डिस्टेंस। और वैसे क्योंकि लाइट ईयर की बात कर ही रहे हो तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा पता हुआ तो और अच्छा। आपको पता है लाइट ईयर का मतलब क्या? द डिस्टेंस ट्रेवल बाय लाइट इन। आपको पता है अर्थ से, हमारे सोलर सिस्टम से नियरेस्ट स्टार कौन सा है? प्रोक्सिमा सेंटोरी। उसका डिस्टेंस पता है आपको? लिखा है वहां पे कितना है? 4.29 लाइट ईयर। कितना डिस्टेंस है? 4.29 लाइट ईयर। इसका मतलब ये होता है कि जो लाइट 4.29 ईयर पहले वहां से निकला था अर्थ पे, वो आज पहुंचा है। मतलब जब तुम उस स्टार को देखोगे तो तुम एक्चुअली 4.29 ईयर पुराना स्टार देख रहे हो। तो जब हम स्टार्स को देखते हैं ना, तो हम स्टार्स जो देखते हैं वो पास्ट में देख रहे हो। अभी कुछ स्टार ऐसे भी है जिसका डिस्टेंस 100 लाइट ईयर है, कुछ स्टार ऐसे भी है जिसका डिस्टेंस 1000 लाइट ईयर है, कुछ स्टार ऐसे भी है जिसका डिस्टेंस 10,000 लाइट ईयर है। मतलब आज से 10,000 साल पहले वहां से लाइट निकला था, हम तक आज पहुंचा है। मतलब अगर वो स्टार अभी वहां पे नहीं भी होगा, क्योंकि तो जैसे इंसान पैदा होता है, फिर बड़ा होता है, फिर बूढ़ा होता है, फिर मर जाता है, वैसे स्टार भी होते हैं। स्टार्स आर बॉर्न, दे बिकम यंग, दे बिकम ओल्ड एंड दे डाई। तो अगर वो स्टार मर भी गया होगा तो हमको 10,000 साल के बाद पता लगेगा। मतलब हमको, मतलब हमारे आने वाले कम से कम 1,000 पीढ़ी के बाद, 1,000 जनरेशन, एवरेज इंसान के बच्चे हर 100 साल जीते, ऐसा एवरेज मान लिया। तो वो तो होता नहीं है वैसे, 60-70 साल ही होता है, लेकिन मान लेते हैं 100 साल जीते हैं। तो 10,000 साल मतलब कम से कम 100 पीढ़ी आज से, 100 जनरेशन, उनको तब पता लगेगा उधर स्टार था, देखो कल तक था, आज नहीं है। मतलब लाइट तो वहां से आते आते ही 10,000 साल लग गए। तो इसके लिए मैंने बोला कि ये जो यूनिवर्स है ना वो बहुत बड़ा है, तो लाइट ईयर भी छोटा है। तो लाइट ईयर छोटा है तो मुझे और बड़ा यूनिट चाहिए, जिसको हम लोग बोलते हैं पार्सेक। जैसे सेंटीमीटर छोटा था तो हमने मीटर बना लिया, मीटर छोटा था हमने किलोमीटर बना लिया, वैसे एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट छोटा था हमने लाइट ईयर, लाइट ईयर छोटा पड़ गया हमने पार्सेक। अभी पार्सेक डिफाइन कैसे करते हैं ना, बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत बहुत इजी भी है। पार्सेक का डेफिनेशन बहुत इजी है। देखो आपको याद है अभी बताया था मैंने एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट मतलब क्या? एवरेज डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ सन एंड सेंटर ऑफ
और तो इमेजिन ये हमारे पास ये सन है और यहाँ पे ये अर्थ है, तो ये जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस कितना हो गया, 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, बराबर। और मैंने आपको कल और परसों दोनों दिन बताया था कि कोई भी एक लाइन हो तो वो एंगल बनाती है, एंगल बनाती है ना, उसको कौन सा एंगल बोलते हैं, प्लेन एंगल या फिर 2D एंगल। तो 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट ये भी डिस्टेंस है, लाइन जैसा डिस्टेंस है, तो ये भी क्या बनाएगा, एंगल। तो अभी हम क्या करेंगे, हम एक पॉइंट ले लेंगे, यहाँ पे एक पॉइंट ले लेते हैं सर, लेट अस से पी पॉइंट है ये। तो ये जो 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट है वो पी पॉइंट पे एंगल बनाएगा। मान लो, इमेजिन करो ये एंगल 1 डिग्री है, कितना है, 1 डिग्री। फिर हम लोग क्या करेंगे, फिर ये पॉइंट हम लोग छोड़ देंगे, फिर हम कोई दूसरा पॉइंट लेंगे, थोड़ा दूर लेंगे, थोड़ा दूर ले लिया, फिर देखेंगे कि ये 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट ने कितना एंगल बनाया। मान लो ये 1 आर्क मिनट है, कितना, ये 1 आर्क मिनट। फिर हम लोग ये पॉइंट भी नहीं लेंगे, ये भी छोड़ देंगे, फिर हम और दूर जाएंगे, और इतना दूर जाएंगे कि 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट फाइनली कितना एंगल बना रहा है, 1 आर्क सेकेंड। तो जिस डिस्टेंस पे 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, जिस डिस्टेंस पे 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट 1 आर्क सेकेंड का एंगल सबटेंड करता है, उसको बोलते हो 1 पार्सेक। तो 1 पार्सेक इज द डिस्टेंस एट विच 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट सबटेंड्स एन एंगल ऑफ 1 आर्क ऑफ सेकेंड। सिर्फ ऐसा लिखा हुआ है नोट, देखा है क्या, देखो, 1 पार्सेक इज द डिस्टेंस एट विच 1 AU मतलब 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट सबटेंड्स एन एंगल ऑफ 1 सेकेंड ऑफ आर्क। 1 पार्सेक इज द डिस्टेंस, और पार्सेक को डिनोट करते हो PC से। 1 पार्सेक इज द डिस्टेंस एट विच 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट सबटेंड्स एन एंगल ऑफ 1 सेकेंड ऑफ आर्क। सिंपल। और जो 1 पार्सेक होता है ना, 1 पार्सेक, 1 पार्सेक की वैल्यू आती है 3.26 लाइट ईयर। कितना, 3.26 लाइट ईयर। तो 1 पार्सेक इज 3.26 लाइट ईयर। और अगर मीटर में करोगे, कितना, 3.10^16 मीटर। लाइट ईयर कितना था, 10^15 था, ये कितना है, 10^16 है, तो ये उससे भी बड़ा है, बराबर, करेक्ट। अभी यूनिवर्स इतना बड़ा है कि पार्सेक भी छोटा पड़ जाता है, फिर हम लोग किलो पार्सेक, मेगा पार्सेक, किलो मतलब 10^3, तो हम लोग फिर किलो पार्सेक की बात करते हैं, 10^3 पार्सेक। हम लोग मेगा पार्सेक की बात करते हैं, मेगा मतलब 10^6 पार्सेक। अभी उतना डिटेल में हमको जाना है नहीं, तो इसके लिए मैं फिलहाल उसकी बात करूंगा नहीं, बराबर। ये भी सिर्फ आपको पता होने के लिए, क्वेश्चन इस पे आया तो आया, लेकिन पता होना चाहिए। तो जैसे मैंने आपको बताया कि हमको आज कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, तो हम सॉल्व कर लेंगे एग्जाम्पल 1.1। तो वेल, बाय द वे, यहाँ पे हम लोग दोनों ही क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, दोनों मतलब जो टेक्स्ट बुक में सॉल्व है उसको वापस सॉल्व करते हैं। आपके टेक्स्ट बुक में दो टाइप के क्वेश्चन होते हैं, एक तो सॉल्व एग्जाम्पल और एक होता है प्रैक्टिस प्रॉब्लम। तो हम लोग सॉल्व एग्जाम्पल भी करेंगे, हम लोग प्रैक्टिस प्रॉब्लम भी यहाँ करेंगे वापस से एक बार। नंबर टू, जब तक पूरा सिखा के होता नहीं तब तक कोई भी लिखेगा नहीं, जैसे क्वेश्चन हो गया खत्म, आपको टाइम मिलेगा लिखने के लिए, तो तब लिखना। नंबर थ्री, हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करते वक्त हम एक पर्टिकुलर, एक प्रॉपर सीक्वेंस में सॉल्व करते हैं। सीक्वेंस मतलब सबसे पहले हमको क्वेश्चन में क्या दिया है वो लिख लेंगे, उसके बाद क्या फाइंड करना है वो लिख लेंगे, फिर जो दिया है और जो पूछा है उन दोनों के लिए कौन सा फॉर्मूला है वो लिखेंगे, और आखिरी में वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके उसका सॉल्यूशन फाइंड करेंगे। अब ऐसा करने का रीजन है क्योंकि तुमको क्या दिया है, क्या पूछा है, तुमने लिख लिया ना, तो फॉर्मूला अपने आप याद होता है। जैसे जैसे डिस्टेंस दिया है और टाइम दिया है, स्पीड पूछा है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड है ना,
दिया है, टाइम दिया है, डिस्टेंस पूछा है। स्पीड दिया है और टाइम दिया है, डिस्टेंस पूछा है, स्पीड इंटू टाइम। तो दैट इज द रीजन कि हम लोग ऐसे स्टेप बाय स्टेप करेंगे उसको। चलो अभी ठीक है, जहां पे जरूरत होगी वहां डायग्राम भी ड्रॉ करेंगे। तो अभी कोई लिखेगा नहीं, सबका ध्यान यहाँ पे। वॉट इज अ सॉलिड एंगल? सॉलिड एंगल, सॉलिड एंगल लाइन बनाता है कि सर्फेस बनाता है? तो वॉट इज अ सॉलिड एंगल सबटेंडेड बाय द मून एट एनी पॉइंट ऑफ द अर्थ? गिवन द डायमीटर ऑफ द मून इज 3,474 किलोमीटर एंड इट्स डिस्टेंस फ्रॉम अर्थ इज 3.84 × 10^8 मीटर। ऐसा है मून, ऑफकोर्स जब आप मून को देखते हो तो आपको मून एक लाइन दिखता है क्या? नहीं, क्या दिखता है? डिस्क, स्पीयर नहीं दिखता आपको। तो मैं बोलना मैं स्पीयर दिखता है, बॉल बॉल दिखता है ऐसा आपको? सिर्फ एक साइड दिखता है ना, एक साइड मतलब क्या दिखता है? डिस्क। तो मून को जब देखते हो तो क्या दिखता है आपको? डिस्क। तो ये जो डिस्क है मून का, ये अर्थ के एक पॉइंट पे, डिस्क की बात कर रहा हूं मैं, तो डिस्क डिस्क ये है डिस्क। तो जो मून का डिस्क है ये अर्थ के एक पॉइंट पे जो एंगल सबटेंड करेगा, मतलब कोण जैसा बन गया, तो जो एंगल बनाएगा वो एंगल सॉलिड एंगल होगा, मतलब कौन होगा? डी ओमेगा या ओमेगा, स्टेरेडियन में आएगा, मतलब ओमेगा सॉलिड एंगल। आपको पूछा है बताओ कितना एंगल बनाया और आपको डायामीटर ऑफ मून दिया है, मून का डायामीटर मतलब ये दिया है। ओके, मून का डायामीटर दिया है, कितना दिया है मून का डायामीटर? 3,474। तो मैं बोल देता हूँ कैपिटल डी या फिर स्मॉल डी, स्मॉल डी मतलब डायमीटर ऑफ मून, डीएम, और डिस्टेंस को बोल देता हूँ मैं कैपिटल डी। तो आपको गिवन में क्या क्या दिया है देखो, तो क्या दिया है, क्या बोला है क्वेश्चन में, क्या बोला है? व्हाट इज द सॉलिड एंगल सबटेंडेड बाय द मून एट एनी पॉइंट ऑफ अर्थ? गिवन डायमीटर ऑफ मून इज 3,474 किलोमीटर। तो डायमीटर ऑफ मून, डायमीटर ऑफ मून कितना है? 3,474 किलोमीटर। किलोमीटर ऐसा यूनिट है क्या? ऐसा यूनिट किलोमीटर है कि मीटर है? मीटर है। तो फिर इसको आप लिखोगे 3,474 × 10^3 मीटर। किलो मतलब 10^3। गुड, और क्या दिया तुमको? डिस्टेंस दिया है, डिस्टेंस ऑफ मून फ्रॉम अर्थ कितना दिया हुआ है? 3.84 × 10^8 मीटर। 3.84 × 10^8 मीटर। और फाइंड करने के लिए क्या बोला है? ओमेगा, सॉलिड एंगल। और तुमको याद है कि हमने सॉलिड एंगल डिफाइन कैसे किया था? इट इज द रेशियो ऑफ एरिया अपॉन स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। डिस्टेंस को तुमने किससे नोट किया? डी से। तो किसका स्क्वायर? डी स्क्वायर। वहां पे आर लिखा था तो वहां पे आर स्क्वायर, यहाँ पे क्या लिखा है? डी। तो यहाँ पे क्या आएगा? डी स्क्वायर। तो ए अपॉन डी स्क्वायर, ए अपॉन डी स्क्वायर। लेकिन एरिया किसका? मून का। मून तुमको पूरा बॉल दिखता है कि सिर्फ सर्कल दिखता है? सर्कल दिखता है ना, तो फिर क्या लिखोगे? पाए आर स्क्वायर, पाए आर स्क्वायर। व्हाट इज आर हियर? रेडियस ऑफ मून। आपके पास डायमीटर ऑफ मून है तो वहां से रेडियस ऑफ मून मिल जाएगा। देखते हैं वो कैसे। तो बन गया फॉर्मूला, फॉर्मूला बन गया। अब इसको कर लेंगे सॉल्व। तो सॉलिड एंगल इक्वल टू पाई आर स्क्वायर अपॉन डी स्क्वायर, पाई रेडियस ऑफ मून स्क्वायर अपॉन डी स्क्वायर। हमको मून का रेडियस दिया है कि हमको मून का डायमीटर दिया है? रेडियस और डायमीटर में क्या रिलेशन होता है? रेडियस इज डायमीटर अपॉन टू, तो रेडियस इज डायमीटर अपॉन टू, इसका क्या करोगे? स्क्वायर करोगे। ओके गुड 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 गुड। तो देयर फोर सिग्मा मिल जाएगा पाई अपॉन टू का स्क्वायर 4। ये डी एन और ये कैपिटल डी, ये दोनों का क्या था? स्क्वायर। तो मैंने जानबूझ कैसा लिख दिया, क्योंकि तो दोनों का रेशियो ले लूंगा और बाद में स्क्वायर कर दूंगा। ओके, तो ये आ जाएगा पाई अपॉन 4 डी एम। क्या है डी एम की वैल्यू? क्या है डी एम की वैल्यू? 3,474 × 10^3, और ये कितना था? 3.84 × 10^8, इसका क्या करेंगे? स्क्वायर। ओके, अब इसको सॉल्व करो, इसको सॉल्व करना पड़ेगा, बहुत डिफिकल्ट जाएगा सॉल्व करना। चलो सिंपल बना देंगे, कोई बात नहीं। ये जो 10^3 है
और साथ में कौन है? 3474। अगर मुझे 3474 को 3.474 लिखना है तो मैं 10^3 करूंगा, और 10^3 पहले से भी था तो कितना हो गया 10^6 बराबर। अपॉन अपॉन कौन है? 3.84 इंटू 10^8, इसका क्या आएगा? स्क्वायर, और बाहर कौन था? पाई बाय 4। अब कुछ नहीं, अब सॉल्व करो, बस सॉल्व करते जाओ, आंसर आ जाएगा। तो अभी इसके लिए यहाँ पे ये 10^8 ऊपर गया तो क्या बन जाएगा? -8। 10^6 और 10^-8, 10^-2, 10^-2 का स्क्वायर 10^-4। तो जिनको अभी भी नहीं समझ में आया, कोई बात नहीं, मैं लिख देता हूँ। होता ऐसा है ना, ये अगर नहीं समझ में आता कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, 10^6 ऊपर था, नीचे क्या था? 10^8। तो इसको 10^6 इंटू 10^2 लिख दो, चलता है। 10^6 इंटू 10^2 मतलब 10^8। बेस अगर सेम हो तो पावर का एडिशन होता है ना, होता है कि नहीं? तो ये और ये क्या हो गया? कैंसल। नीचे क्या बचा? उसका स्क्वायर करके क्या आएगा? 10^4। तो आपको मिलेगा यहाँ से, दिस इज इक्वल टू पाई बाई 4, और वो जो 10^2 था उसका स्क्वायर 10^4, और अंदर क्या था? 3.474 अपॉन 3.84, उसका भी क्या करेंगे? स्क्वायर। तो देखो क्या आता है अभी, नॉट कैलेंडर बट कैलकुलेटर। ओके, 3 पॉइंट क्या था ऊपर? 4.74 डिवाइडेड बाय क्या था? 3.84। कितना आया? 0.904। 0.9 में ले लिया तो चलता है, इसका क्या करना है? स्क्वायर। कितना आया? 0.8184। तो ये आ गया आपका सॉल्व करने के बाद, हाँ, 0.8184। अब पाई बाय 4, पाई की वैल्यू कितनी होती है? 3.14। कितनी होती है? 3.14। तो 3.14 डिवाइडेड बाय क्या था? 4। कितना आ गया? 0.785 मल्टीप्लाई बाय 0.8184, 0.64244, 0.64244 अपॉन 10^4, ऊपर जाएगा तो -4, तो 0.6424, अगला 4 नहीं लिखा, 10^-4। क्या फाइंड किया तुमने? तो क्या आया? स्टेरेडियन। क्या आया? स्टेरेडियन, क्योंकि सॉलिड एंगल किसमें मेजर करते हो? स्टेरेडियन, और प्लेन एंगल रेडियन। तो ऐसा आंसर होना चाहिए, देखते हैं आंसर क्या दिया हुआ है। यही आंसर है, बराबर है, सिर्फ इन्होंने क्या लिखा? 6.42 इंटू 10^-5, एक ही बात है, वो सिर्फ डेसिमल शिफ्ट किया तो पावर एक से कम होगा। तो ठीक है, ऐसा लिखो वैसा लिखो, आंसर एक ही है, सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, ओके, एग्जाम्पल 1.2, सिंपल क्वेश्चन है। अ स्टार इज 5.5 लाइट ईयर्स अवे, हाउ, अच्छा, फ्रॉम अर्थ। तो एक स्टार है जिसका डिस्टेंस है 5.5 लाइट ईयर्स फ्रॉम अर्थ, हाउ मच पैरेलेक्स इन आर्क सेकेंड विल इट सबटेंड व्हेन वेव फ्रॉम टू अपोजिट पॉइंट्स अलोंग द ऑर्बिट ऑफ अर्थ। तो पहले क्वेश्चन समझ लो, एक स्टार दिया है आपको, कितना दूर बोला है? 5.5, मतलब जो डिस्टेंस है टू द स्टार, एक काम करते हैं, स्टार के डिस्टेंस को कैपिटल डी बोल देता हूं मैं। तो ये जो डिस्टेंस है कैपिटल डी, ये कितना दिया है? 5.5 लाइट ईयर। आपने स्टार को दो पॉइंट से देखा, एक पॉइंट था ए, एक पॉइंट था बी। ए से बी का डिस्टेंस कितना है? 2 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। और आपको पूछा है कि कितना पैरेलेक्स बना, मतलब क्या पूछा है? एंगल। क्या पूछा है आपसे? एंगल, सिंपल। तो गिवन में हमको दिया हुआ है डिस्टेंस। सबसे पहले एक चीज और याद रखो,
हम ये गिवन टू फाइंड ये सब क्यों लिखते हैं, उसके दो रीजन है। एक तो क्या क्या दिया है वो दिमाग में रहता है, दूसरा दूसरा लाइट ईयर ये ऐसा यूनिट नहीं है, डिस्टेंस का ऐसा यूनिट कौन है, मीटर। तो इसको मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, कैसे करोगे? 1 लाइट ईयर मतलब कितना मीटर था, लिख के दिया था मैंने अभी, अभी भी बताया, आज बताया मैंने, आज बताया कि नहीं? देखो लाइट ईयर, लाइट ईयर कहाँ गया, लाइट ईयर कितना है, 9.46 × 10^15, 9.46 × 10^15 मीटर, ये आ गया आपका डिस्टेंस इन मीटर। और क्या दिया हुआ है आपको, आर्क लेंथ ए बी, आर्क लेंथ ए बी कितना दिया हुआ है, 2 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। और एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट भी मीटर में कैसे कन्वर्ट करते हो, 1.9 × 11 मीटर हो गया। आपको फाइंड क्या करना है, पैरेलेक्स मतलब एंगल फाइंड करना है, ठीक है, किसमें, आर्क सेकेंड में, किसमें फाइंड करना है, आर्क सेकेंड में। तो फॉर्मूला क्या यूज करोगे, आर्क लेंथ कौन है, ए बी, आर्क लेंथ इक्वल टू रेडियस इंटू एंगल, तो ए बी इक्वल टू डी इंटू थीटा, तो ए बी इक्वल टू डी इंटू थीटा, तो थीटा क्या आएगा, ए बी अपॉन डी, लेकिन ए बी कितना है, 2 AU। चलो ठीक है, वो फिर अभी हम सॉल्व करते वक्त सब्सटीट्यूट कर देंगे, तो थीटा इक्वल टू ए बी, बट ए बी इज 2 × 1.496 × 10^11 अपॉन डी, डी कितना आया, 5.5 × 9.46 × 10^15 मीटर। गुड, अब इसको सॉल्व करो, इसको सॉल्व करोगे तो वैल्यू मिलेगी आपको, मैंने करके रखा है ऑलरेडी। अच्छा एक काम और कर सकते हो, ये मीटर में मतलब ऐसा यूनिट में, ये भी मीटर में मतलब ऐसा यूनिट में, तो अगर डी और ए बी दोनों एसआई में है तो एंगल भी किस में मिलेगा, एसआई में। ऐसा यूनिट ऑफ एंगल आर्क सेकेंड था कि रेडियन था, क्या था, रेडियन। तो ये जो तुमने लिखा है ना, ये किस में है, रेडियन में, ये किस में है, रेडियन में, क्योंकि ए बी मीटर में और डी बी मीटर में, तो एंगल किस में आएगा, रेडियन में, बराबर। और हमको पूछा किस में है, आर्क सेकेंड में। तो मेरे को एक बताओ, तुमको रेडियन से आर्क सेकेंड में कन्वर्ट करते आता है क्या, नहीं नहीं आता, तो कर लेंगे कोई बात नहीं। आपको याद है 1 रेडियन मतलब कितना आर्क सेकेंड, या फिर उल्टा याद है, 1 आर्क सेकेंड मतलब कितना रेडियन, 1 आर्क सेकेंड इक्वल टू 10^-6 रेडियन, ऐसा कुछ आया था कि नहीं आया था, 4.84, ठीक है 8.4 लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। 1 आर्क सेकेंड मतलब कितना रेडियन, 4.84 × 10^-6, उल्टा अगर 1 रेडियन चाहिए तो ये 4.84 को और 10^-6 को क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, तो ये क्या मिल जाएगा, 1 रेडियन। अगर रेडियन से आर्क सेकेंड में जाना है तो डिवाइड करोगे, किससे डिवाइड करोगे, 4.84 × 10^-6। हमारे पास जो थीटा था, क्या था थीटा, 2 × 1.496 अपॉन 5.5 × 9.46, ऊपर 10^11, नीचे 10^15, तो 10^4, क्योंकि वो 11 और नीचे 15, ये 15 में से 11 गया तो कितना बचा, 4 × 10^4, ये किसमें था, रेडियन में। हमको रेडियन में चाहिए था कि आर्क सेकेंड में चाहिए था, तो रेडियन से आर्क सेकेंड में जाते वक्त क्या करते हो, डिवाइड, डिवाइड करते हो, तो यहाँ पे डिवाइड कर लो, किससे करोगे, 4.84 × 10^-6, 10^-6 हो गया, बस हो गया। फिर इसको सॉल्व करो, अब करो सॉल्व, कैसे करोगे इसको सॉल्व, लॉग टेबल से,
तो ये जो ऐसे नंबर होते हैं ना, इसको बोलते हैं रेसिप्रोकल, क्योंकि ये डिनोमिनेटर में आया, ये भी डिनोमिनेटर में आया, ये भी डिनोमिनेटर में आया, तो क्या बोलोगे इसको? रेसिप्रोकल। तो मैं एक काम करूंगा, लॉग टेबल का एक लेक्चर मैं अपलोड कर दूंगा, लिंक भेज दूंगा आपको व्हाट्सएप पे, और आप वो पूरा एक लेक्चर, कल संडे है तो कल देखो कि लॉग बुक कैसे यूज करते हैं, और जिनको नहीं समझ आया तो मुझसे पूछ लो, तो एक बार हम लोग यहाँ पे भी ले लेंगे। तो अब छोड़ो वो तो करना घर पे, 10^4 और -6 कितना हो गया? -2, ऊपर जाके +2। तो ये पूरा सॉल्व करने के बाद फाइनल आंसर आपको मिलेगा आर्क सेकेंड में, पूरा सॉल्व करने के बाद। चलो तो कर ही लेते हैं, 1.186, तो ये आ जाएगा 1.186 थीटा इक्वल टू 1.186 आर्क सेकेंड। अब मैं एक शॉर्टकट बताता हूँ आपको, थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा नंबर पे, नंबर पे ध्यान दो यार, शॉर्टकट शॉर्टकट है, एकदम शॉर्टकट। ये 1.496 है ना, इसको 1.5 मान लिया तो चलेगा, चलेगा, यस चलता है। व्हाट इज 1.5 इंटू 2 3, मतलब इसको 3 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। ये 10^-6 और +4 कितना हो गया था? -2, और ये 9.46 है, 10 मान लो, 9.46 को क्या मान लोगे? 10, क्या मान लोगे इसको? 10। तो 10^5 और 10^-6, मतलब 10^-1, 10^-1, 10^-1, ये 5.5 है, 5 मान लो, 5 कितना मानोगे? 5। और ये 4.84 है, इसको भी क्या मानोगे? 5 5, बराबर। तो देखो क्या आ गया, 3/25, और ये जो 10^-1 था सब सॉल्व करने के बाद, कितना था वो? 10^-1, ऊपर जाके क्या हो जाएगा? +1, मतलब क्या आ जाएगा? 10। तो 30/25 कितना होता है? कितना होता है? 6/5, 6/5 मतलब पता है कितना होता है? 1.2। और आंसर देखो क्या आया, 1.186। तो हम बिना कैलकुलेटर के भी ऐसा सिंपल सिंपल करके भी उसको सॉल्व कर सकते हैं, सिर्फ आपको ये पता होना चाहिए कि करना कैसा है। गुड, तो अप्रोक्सीमेटली भी तुम आंसर ला सकते थे। ओके हो गया। तो अगला क्वेश्चन, अभी हर जगह पे एग्जैक्ट कैलकुलेशन करोगे ही, ऐसा नहीं होता है, इसको एग्जैक्ट सॉल्व करते बैठोगे तो बहुत टाइम जाएगा, तो अप्रोक्सीमेशन भी कर सकते हो। जैसे मैंने अभी बताया, ऊपर 1.5 × 2 3, नीचे ये 10, 10^4 पर 10^5 और 10^-6 पर 10^-1, वो ऊपर गया, ऊपर 3 था और 10 हो गया, 30 हो गया। नीचे 5.5 को 5 ले लिया, 4.84 को भी 5 ले लिया, 5 और 5 25, 30/25 इज 6/5, मतलब 1.2। अगला क्वेश्चन, एग्जाम्पल 1.3, द मून इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 3 × 3.84 × 10^8 मीटर फ्रॉम अर्थ। अर्थ और मून का डिस्टेंस आपको दिया है। इफ वीव्ड फ्रॉम टू डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट्स ऑन अर्थ, तुम अर्थ के दो डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट से मून को देख रहे हो, द एंगल सबटेंडेड एट द मून, मैं अर्थ के दो पॉइंट से, अर्थ के दो डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट से मून को देख रहा हूँ, तो एंगल बनेगा ना एंगल, तो वो एंगल कितना बना? 1°54". वॉट इज द डायमीटर ऑफ अर्थ? अर्थ का डायमीटर बताओ, मून का नहीं, अर्थ का बताओ। तो क्वेश्चन ऐसा है, पहले क्वेश्चन समझ लेते हैं अच्छे से, 1 मिनट। अच्छा ओके, इसको अभी ब्रेक चाहिए, 1 मिनट, ये अभी बंद होगा फिर वापस चालू होगा। नोट लगता है उसको, थोड़ा थक जाता है वो सॉफ्टवेयर, तो सॉफ्टवेयर भी थकते हैं। हो जा ओपन, हो जा भाई, होगा 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 होगा, हो गया ओपन, यस। ओके,
तो हम आ जाते हैं वापस से हमारे क्वेश्चन पे। तो हमारे क्वेश्चन में वापस आ जाते हैं। गुड। तो ये क्वेश्चन था, तो क्वेश्चन क्या था कि मून का आपको डिस्टेंस दिया है अर्थ से, और आप मून को देख रहे हो अर्थ के दो डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट से। आप मून को देख रहे हो अर्थ के दो डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट से, और एंगल बन गया 1 डिग्री 54 मिनट। आपको पूछा है डायमीटर ऑफ अर्थ बताओ। गुड। तो आप किसको देख रहे हो? मून को। किसको देख रहे हो? मून को। कहाँ से देख रहे हो? अर्थ के दो डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट से। ये अर्थ है, तो मैंने अर्थ को, अर्थ से पहले मून को देखा, फिर यहाँ से भी देखा, तो ये दो डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट है। एक काम करता हूँ, इसको बोलता हूँ ए बी, तो नाम दे देंगे इसको कुछ ए और बी पॉइंट। तो हमने अर्थ से, बड़बड़ नहीं चाहिए, ए और बी पॉइंट से मून को ऑब्जर्व किया, तो ये एक एंगल बन गया। ये एंगल कितना बना? 1 डिग्री 54 मिनट। तो हमको गिवन में क्या दिया है? एंगल कितना दिया है? 1 डिग्री 54 मिनट। 1 डिग्री में कितने मिनट होते हैं? कितने होते हैं? 60। मैं इसको लिख सकता हूँ क्या? फिर 60 प्लस 54 मिनट्स लिख सकते हैं ऐसा? तो 114 मिनट्स ये आ गया आपके पास एंगल, बराबर। अब डिस्टेंस भी दिया है, डिस्टेंस भी दिया है मून का। कितना डिस्टेंस दिया है मून का? 8.4 पॉइंट की 8 पॉइंट 3 पॉइंट 3.84 into 10^2 8 मीटर, बराबर। क्या पूछा आपको? डायमीटर ऑफ अर्थ। आपको फाइंड क्या करना है? ए बी। डायमीटर ऑफ अर्थ मतलब कौन? ए बी। आर्क कौन है? आर्क ए बी। तो फॉर्मूला क्या बनेगा? क्या बनेगा? ए बी इक्वल टू डी इंटू थीटा। आर्क लेंथ इज रेडियस इंटू एंगल। बन गया फॉर्मूला। अभी आपको सिर्फ वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है इसमें। तो ए बी इक्वल टू डिस्टेंस 3.84 × 10^8, और एंगल कितना था? 114। किसमें? मिनट में। किसमें? लेकिन लेकिन मिनट ये ऐसा यूनिट है क्या? नहीं, ऐसा यूनिट कौन है? सेकेंड टाइम का होता है। ये एंगल है रेडियन, तो मिनट से रेडियन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। कैसे करते हो? 1 मिनट मतलब कितना रेडियन? वो मैंने आज वापस रिवाइज क्यों करवाया था? 1 मिनट मतलब कितना रेडियन? हाँ, 2.91 × 10^-4, तो 2.91 × 10^-4 रेडियन। ओके, तो रिवाइज करवाया ही इसलिए था क्योंकि आज हमको यूज करना था उसको। हो गया। तो यहाँ पे लिखोगे, क्या लिखोगे? 2.91 × 10^-4। अब ये भी SI यूनिट में है, ये भी SI यूनिट में है, तो एंगल भी, सॉरी डिस्टेंस भी SI यूनिट में मिलेगा, मतलब डायमीटर मिलेगा। किसमें आपको? मीटर में। किसमें मिलेगा? मीटर। इसको सॉल्व कर लो। अभी भी मैं आपको अप्रोक्सीमेटली बताता हूँ, अप्रोक्सीमेटली। हाँ, ये 100 है। कितना है? 100। ये 10^8 है। 10^8 और 10^2, 10^10, 10^10 में से 4 गए, 10^6। ओके, ये 3 है। 3 कितना है? 3। और ये 4, 12, 12। ओके, तो आंसर आना चाहिए 12 × 10^6, 12 × 10^6, बराबर। आंसर पता है कितना दिया हुआ है आपको? बता रहा हूँ, बता रहा हूँ, 1274 × 10^4, बराबर है ना? हमारा रफली रफली कितना आया है? मतलब कितना आया? 1200 × 10^4, क्योंकि इसके दो जीरो उसको दे दी, तो ये हमारा रफ आंसर आया। एग्जैक्ट आंसर करोगे तो, एग्जैक्ट करोगे तो ये आ रहा है 1274 × 10^4 मीटर, और बराबर है। दिस इज राइट आंसर। क्योंकि अर्थ का रेडियस कितना होता है? अर्थ का रेडियस कितना होता है?
6400 किलोमीटर, तो डायमीटर कितना हो गया? 12,800 किलोमीटर। बराबर ना? किलो मतलब कितना, किलो कितना होता है? 10^3। अब ये 10^3 है और ये एक जीरो इसको दे दिया तो कितना बन गया? 10^4। तो कितना है और हमारा कितना है? बहुत पास में है, मतलब हमने जो कैलकुलेशन किया वो क्या है? करेक्ट है, करेक्ट है, हो गया क्वेश्चन सॉल्व। डन।